नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। हाल ही में एक बार फिर से विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे से भिड़ गए थे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। मैदान पर मामला शांत होने के बाद दोनों टीम के बीच सोशल मीडिया पर भी तीखा वार हुआ। वहीं अब इस लड़ाई के बीच में पूर्व DDCA प्रेसिडेंट रजत शर्मा भी आ गए हैं। तो आइए वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिर रजत शर्मा कैसे इस लड़ाई में कूद पड़े। दरअसल 1 मई को खेले गए बेंगलुरु और लखनऊ के बीच मुकाबले के दौरान ही विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें मैच के बाद गौतम गंभीर भी उसमें कूद पड़े। इस बात की खबर रजत शर्मा तक भी पहुंच ही गई होगी, ये तो वाजिब सी बात है, क्योंकि यह खबर देश के अलावा विदेशों तक भी जा पहुंचा है। और रजत शर्मा पूर्व DDCA प्रेसिडेंट के साथ साथ प्रसिद्ध जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने इस झगड़े को लेकर विराट कोहली के समर्थन में कहा कि गौतम गंभीर को मिर्ची लगी, चुनाव लड़कर MP बनकर उनका अहंकार बढ़ गया है, विराट की लोकप्रियता उनको कितना परेशान करती है ये हमें ग्राउंड पर साफ साफ दिखा। विराट ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, वह किसी भी तरह का नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए उन्होंने गौतम गंभीर को बराबर का जवाब दिया। जो भी गंभीर ने किया वो स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है, वह बतौर क्रिकेटर और बतौर MP शोभा नहीं देता है। रजत शर्मा के इस बात के वायरल होने के बाद गौतम गंभीर ने उन्हें ट्वीट के जरिए करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दबाव का हवाला देकर दिल्ली क्रिकेट से भागा हुआ आदमी क्रिकेट की चिंता जताते हुए पेड PR कर रहा है। यही कलयुग है जहां भगौड़े अपनी अदालत चलाते हैं, तो अब देखना है कि यह मामला कब तक ठंडा पड़ता है। वहीं हो सकता है कि बेंगलोर और लखनऊ दोनों ही टीम आपस में एक बार फिर से आमने सामने हो सकती है, क्योंकि दोनों टीम इस वक्त टूर्नामेंट में अच्छे पोजीशन पर है और हो सकता है कि दोनों ही टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर से यह मामला गर्माता ही दिखेगा। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।